हेलो भाई, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 सम नंबर 7। इस बच्चों 7 सम आकृति 6.38 में 3.8 में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ट्रायंगल एईपी समरूप है ट्रायंगल सीडीपी के। दूसरा, ट्रायंगल एबीडी समरूप है ट्रायंगल सीबीई के। तीसरा, ट्रायंगल एईपी समरूप है ट्रायंगल एडीबी के। चौथा, ट्रायंगल एपीडीसी समरूप है ट्रायंगल बीईसी के। ये सब बच्चों बहुत कुछ पूछ रही है इसमें। हमने सबसे पहले बारी बारी से हर क्वेश्चन को उठाते हैं, उसको करना शुरू करती है। तो ये सब बच्चों सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट उठा लेती है इस त्रिभुज को, इन दोनों त्रिभुजों को कैसे समरूप दिखाना है। बच्चों हमने सबसे पहले बच्चों हमने चित्र समझ लेना है या फिर आकृति की बोल लो बच्चों जी। ये आकृति है बच्चों, इस आकृति का नाम है बच्चों 6.38। इस बच्चों अगर इस त्रिभुज की बात करें ना बच्चों, इसमें कितने त्रिभुज की कितनी त्रिभुज है, बहुत सारी बच्चों। एक तो ये रही, एक त्रिभुज ये बच्चों। सबसे पहले बच्चों इसने यही पूछा है कि एईपी और सीडीपी क्या दोनों त्रिभुज समरूप है। मैं बता दूंगा बच्चों, ऐसे मेजबान भी पता चल जाएगा कि दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है, क्योंकि बच्चों इस त्रिभुज का कोण जो डी है ना और इस त्रिभुज का कोण ये है ना, दोनों 90 डिग्री की है। और इस दोनों त्रिभुज के जो कोण है ना बच्चों, इन दोनों त्रिभुज के कोण बराबर है, क्योंकि दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। बच्चों किसी भी त्रिभुज में अगर हम दो कोण बराबर दिखा पाए तो दो त्रिभुज बच्चों समरूप हो जाती है। दूसरे की बात करें, ए बी डी की बात करें, ए बी डी इस त्रिभुज की बात करें बच्चों, और दूसरी वाली पूछ ली सी बी ई, सी बी ई की बात करें जिस बच्चों, एक तो इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, यानी कि इस त्रिभुज की बात कर रहा है, इसमें जो बी कोण बच्चों दोनों का साझा कोण हो गया, और इसका जो कोण ये वाला है और इसका ये वाला कोण है बच्चों, दोनों का 90 डिग्री का कोण है, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगी। अगले की बात, अगले भी बच्चों इसी तरीके से है, मतलब हर त्रिभुज में बच्चों एक कोण साझा मिलेगा, दूसरा बच्चों 90 डिग्री का कोण मिलेगा, उस तरीके से बच्चों त्रिभुज समरूप हो जाएगी। खाली मतलब पहला जो रूल है ना बच्चों, पहला जो सम है, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है बच्चों, इसमें एक कोण तो हमें 90 डिग्री का मिल जाएगा, दूसरा कोण शीर्षाभिमुख कोण मिल जाएगा, उस तरीके से हम दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा पाएंगे। तो ये बच्चों सम को स्टार्ट करते हैं प्रमाण पे या हल पे। पहला पार्ट हम सही कर रहे हैं या सोल्व कर रहे हैं बच्चों। अब पहले पार्ट में क्या है, त्रिभुज ए ई पी में, त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में, त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में, इस त्रिभुज में बच्चों इस त्रिभुज का कोण बच्चों ई किसके बराबर है बच्चों, ई कोण बराबर है कोण डी के। दोनों कोण कितने कितने के बच्चों, दोनों कोण 90 डिग्री के कोण है। इस त्रिभुज की बात करें बच्चों, इसका कोण ए पी ई, इसका ए पी ई बराबर है ए पी ई, ए पी ई बराबर है सी पी डी के। किसके बराबर बच्चों, कोण सी पी डी के। क्यों बराबर है बच्चों, दोनों ये कोण है शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों कोण बच्चों शीर्षाभिमुख कोण है। इस बच्चों दोनों दो कोण बराबर है तो बच्चों दो त्रिभुज समरूप हो जाती है, इसलिए त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज सीडीपी के। क्यों समरूप है बच्चों, एंगल नियम द्वारा बच्चों दोनों त्रिभुज क्या है बच्चों, समरूप है। इस बच्चों अब हम चलते हैं आपके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में त्रिभुज एबीडी तथा सीबीई में, त्रिभुज एडी या एबीडी तथा त्रिभुज सीबीई में एबीडी की बात करें बच्चों, एबीडी की बात करें, इसका कोण बच्चों डी किसके बराबर है, सीबीई की बात करें
सी बी ई की बात करें तो ई ई के बराबर है, क्यों बराबर है बच्चों, दोनों कोण 90 डिग्री की है। ए बी डी की बात करें बच्चों, ए बी डी की बात करें इसका कोण बी, इसका कोण बी बच्चों किसके बराबर है, इसके कोण बी के, क्यों बराबर बच्चों, दोनों के सांझे कोण है, कौन से कोण है बच्चों, सांझे कोण है, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के, क्यों बच्चों, क्योंकि एंगल एंगल नियम द्वारा दोनों बच्चों त्रिभुज समरूप है। अब हम चलते हैं बच्चों आपके आपके अगले पार्ट पर। अगला पार्ट में बच्चों ये वाला है त्रिभुज, त्रिभुज